अभी तो बेटी घर पे आ गई जी, कैसा लगा था? अब तो अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ है, हमें भी खुशी का माहौल है। जब भी यहाँ अटैक हुआ था रूस और यूक्रेन का, तब क्या स्थिति थी और क्या लगा था? तो घबराए हुए थे कि बच्चे हमारे पास आए, 5 साल से हमारे पास नहीं थी, इतना पैसा खर्च किया, फिर भी डर रहे थे हम पूरे परिवार वाले। अभी हमारी बेटी को अब अच्छा लग रहा है। अभी शिक्षा बाकी है? हाँ अभी है 1 साल। वो उसके लिए क्या सोचा है? अब देखो आगे गवर्नमेंट क्या करती है। सर आपका डॉक्टर द्रव सिंह नाम है सर मेरे। अभी बेटा फंसा हुआ था यूक्रेन और रूस के दंगे में, वो है क्या स्थिति है, वो क्या परेशानियाँ रहीं? बहुत बड़ी परेशानियाँ रहीं साहब, हम तो जैसे समझ लो कि खाना भी नसीब नहीं हुआ बच्चे की खातिर जो है हमें अब। लेकिन हमारा बेटा फिलहाल जो है 40-50 किलोमीटर पैदल चल के जो है और पोलैंड बॉर्डर पर है, और पोलैंड उसमें आया, देश में आया, तो उससे अब हमें शांति मिली बहुत सारी। उम्मीद है परसों आ जाएगा? जी 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 उम्मीद कर रहे हैं परसों आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। वैसे बात हुई है, सुबह ही बात हुई है, लेकिन आ जाएगा, लेकिन सुरक्षित है अपने इलाके। क्या नाम है सर आपका? जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह। आपका बेटा भी यूक्रेन और रूस के बॉर्डर में फंसा हुआ था कभी मामले में, अब क्या स्थिति है? अब तो बेटे बहुत पैदल चला तो अब तो सुकून में थोड़ा। क्या सूचना मिली है? अब सूचना आज ही बात हुई मेरी बच्चे से, तो अंकल जी बहुत बढ़िया, हम तो अब 2 दिन में आ जाएंगे वापसी। यानी ऑपरेशन देने के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका? जी जी जी। शर्मा जी नहीं, क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। अभी आप आ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है अब? अच्छा लग रहा है अपने मतलब इंडिया में आके, अपने घर पे आके। क्या स्थिति थी वहाँ? वहाँ पे मतलब डर का माहौल था, वहाँ पे कीव में अटैक हुआ 24 तारीख को सुबह, फिर सब हम डरे हुए थे कि बस अपने घर जाएं कैसे भी। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी हेल्प करी, फ्लाइट वगैरह का अरेंजमेंट करवाया, फिर एक एक करके बच्चे निकाले गए। फिर आज कल की मेरी फ़्लाइट थी, फिर मैं शाम को ही लैंड करके 5:10 पे फिर मैं अपने घर आ गई। कुछ और भी साथी हैं जो अभी? हाँ जो अभी एक बार में 250 बच्चे आए थे, एक बस पहले हमसे निकल चुकी थी, कल हमारा दूसरा नंबर था, तो 250 करके बच्चे जा रहे थे। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट के लिए भी? बस यही कि थैंक यू इतना सब अरेंजमेंट करने के लिए, हमको सेफली घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप पे बहुत 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 गंदा माहौल है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, कि में फंसे हुए बच्चे इंडिया के जो गए थे उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ना उन पे खाने का कुछ है, ना उन पे पीने का कुछ है। तो हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि हम ऐसी जगह पे थे कि हमें कुछ भी ऐसा देखना नहीं पड़ा और हम अपने सीधे सेफली घर पर आ गए। सर आपका बच्चा भी अभी यूक्रेन में था, मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, कौन सा ईयर था और क्या स्थिति है इस समय? जी हाँ, मेरा बच्चा सादावली के नाम से है और यूक्रेन के वनेक्सिया सिटी में नेशनल मेडिकल कॉलेज में वो स्टडी कर रहा था और चौथा वर्ष है उसका, और वो वहाँ से अपने ही खुद अपने रिस्क पे वो हंगरी बॉर्डर पे आए, लेकिन हंगरी बॉर्डर से जो है एमरजेंसी वीज़ा बनवा के वो हंगरी में अंदर प्रवेश कर गए, फिर इंडिया की एम्बेसी ने इंतजाम करके बस के द्वारा और उनको वहाँ हंगरी की राजधानी पहुँचा दिया है, और वहीं इंडिया गवर्नमेंट की ही व्यवस्था से एक होटल में वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले वहाँ से यूक्रेन से और हंगरी तक आने में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और माँ पे भी बहुत परेशान थे, और उसमें जहाँ मेरा बच्चा रह रहा था वनेक्सिया में उसके पास ही एक केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें उन्होंने बमबारी की थी जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूरी पे थी, इससे बच्चे दहशत में आ गए और इस चीज़ को वहाँ उन्होंने अपने बस के द्वारा जो है 1200-1250 किलोमीटर चल के वो हंगरी बॉर्डर पर आए, लेकिन अब जो है बच्चा हमारा बता रहा है कि सेफ जोन में है, अब हंगरी में आ चुके हैं, व्यवस्था हमारी सुनिश्चित हो चुकी हैं, होटल में हम शिफ्ट कर गए हैं, और 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा दिया है हवाई जहाज का, 1-2 दिन में जैसे ही व्यवस्था बनेगी तो बच्चा फिर हमारा आ जाएगा। अब आगे पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? आगे जैसे ही वहाँ स्थिति सामान्य होगी तो बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, स्टडी करेगा, पूरी करेगा।